Namaskar all of you how are you all i hope you guys are fit and healthy at your place stay healthy stay safe and be happy okay so from today we are going to solve textbook exercise of chapter 6 living and non living things on page number 65 okay let's understand exercise 1 objective type questions exercise a fill in the blanks with the correct words first one is a bird moves with the help of blank there are options there are two op options first one is wings and second one is fins so a blank is a bird मूव विद द हेल्प ऑफ यानी बर्ड है वो किस की हेल्प से मूव करता है चल फिर सकता है किस की हेल्प से तो वी हैव टू ऑप्शन्स विंग्स एंड फिन्स तो बर्ड किस की हेल्प से मूव करता है ऑफकोर्स इट्स विंग्स सो वी हैव टू टेक विंग्स एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक सो Please keep it in your mind. You have to write down with your pencil, not with your pen. And handwriting should be very neat and clean. Okay. See the spelling of given options and write correctly. Done. Second one is a fish moves with the help of blank. Options are wings and fins. सो फिश है वो किससे मूव करती है आप लोगों ने देखा होगा फिंस मूव सॉरी फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिंस ओके सो टिक द दिन एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक थर्ड वन इज लीव्स ऑफ द ब्लैंक क्लोज अप वैन टच यानी वैन वी टच द लीव

तो टिक दोसा एंड रेड इन द ब्लैंक फोर्थ वन इज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू थ्रू टीनी होल्स इन द ब्लैंक यानी प्लांट्स है वो ब्रीथ करते हैं दे नीड एयर टू ब्रीथ तो हाउ हाउ डू दे ब्रीथ दे ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स पर वो टीनी होल्स कहाँ पे होते हैं लीव्स में होते हैं या फ्लावर्स में होते हैं देर आर टू ऑप्शंस फ्लावर्स एंड लीव्स सो करेक्ट वन इज लीव्स आई शो यू ना वेन आई एक्सप्लेन दैट इन अ लीव देर इज अ टीनी होल्स दे आर कॉल्ड सॉरी दे आर हेल्प हेल्पिंग प्लांट्स टू ब्रीथ सो वी हैव टू राइट डाउन लीव्स

and second options animals and plants so right one is animals and plants because plants also feel the changes so you have to write down and take down animals and plants in this blank okay now exercise b choose the correct options there are four options in one question you have to choose correct one and ट दैट वन ओके फर्स्ट वन इज वाई डू लीविंग थिंग्स नीड फूड वाई वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड उन्हें फूड क्यों चाहिए वाई तो ऑप्शन्स आर ऑप्शन ए टू वर्क ऑप्शन बी टू मूव एंड ऑप्शन सी टू ग्रो ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिज यानी सारे के सारे जो है वो करेक्ट वन है तो वी हैव टू टेक ऑप्शन डी बिकॉज वी नीड फूड लिविंग थिंग्स नीड फूड टू वर्क टू मूव एंड टू ग्रो सो है ना तो आ, ये तीनों जो है वो राइट right वन है सो वी हैव टू टेक ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अगर ऑप्शन सारे जो है वो सही होते हैं तो हमें ये ऑप्शन टिक करना होता है ओके नाउ सी द सेकेंड वन विच ऑफ दीज ऑर्गन्स हेल्प एनिमल्स टू फील चेंजेस अराउंड देम इसमें से कौन से ऑर्गन्स है जो एनिमल्स को हमारी आजू बाजू कुछ चेंजेस हो रहे हैं या एनिमल्स को कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो देखें फील द दे चेंजेस तो ऑप्शन ए सेंस ऑर्गन्स ऑप्शन बी एंटीना ऑप्शन सी फिंस एंड विंग्स एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी तो ऑर्गन्स हेल्प एनिमल्स टू फील चेंजेस एनिमल्स के पास कौन से ऑर्गन्स होते हैं sense organs and right? when i explained i told you there are five five sense organs Eye, nose ear tongue and skin there are five sense organs which help us to feel uh, the changes around us okay so we have to take option a here option sorry क्वेश्चन नंबर थ्री वीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन इसमें से कौन सा ऑप्शन uh, है जो सेंस ऑर्गन नहीं है तो ऑप्शन ए आई ऑप्शन बी टांग ऑप्शन सी लेग एंड ऑप्शन डी ईयर अभी मैंने आपको पाँचों सेंस ऑर्गन्स बताए है ना उसमें लेग आया था नो बिकॉज लेग इज़ नॉट अ सेंस ऑर्गन सो वी हैव टू टेक ऑप्शन सी लेग ईयर सी द फोर्थ वन विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स डो नॉट ले एक्स बट डो नॉट ले एक्स बट गिव बट टू अ बेबी यानी इसमें से कौन सी लिविंग थिंग्स है जो क्या करते हैं एक्स नहीं देते बट सीधे बेबी को जन्म देते हैं तो वो कौन से लिविंग थिंग्स है तो ऑप्शन ए पीजन ऑप्शन बी प्लांट ऑप्शन सी वूमन एंड ऑप्शन डी हैन तो एज यू नो पीजन के क्या होते हैं एग्स होते हैं प्लांट्स के भी जो होते हैं सीड्स होते हैं ना या रूट्स या फिर लीव्स उससे प्लांट्स पैदा होते हैं एंड ऑप्शन सी इज द राइट वन वुमन गिव अ बर्थ टू अ बेबी है ना वो एक्स नहीं देती वो क्या करती है शी गिव बर्थ टू अ बेबी सो टिक द ऑप्शन सी बिकॉज हैन इज अ रॉन्ग वन हैन भी क्या देती है एक्स देती है है ना नाउ सी द फिफ्थ वन द लीव्स ऑफ विच प्लान्टलोजअप वैन ट यानी हम कौन से प्लांट को टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है ऑप्शन सार ऑप्शन ए मिमोसा ऑप्शन बी नीम ऑप्शन सी ऑल ग्रीन लीव्स एंड ऑप्शन डी मैंगो तो एज वी ऑल नो मिमोसा इज अ प्लांट वेच वी वैन वी टच्ड दे आर क्लोज अप सो ट द ऑप्शन ए मिमोसा दिक्कत इंसेक्ट्स को ब्रीथ करने के लिए कौन हेल्प करता है तो ऑप्शन ए लंग्स नो देव देव लंग्स ऑप्शन बी एयर होल्स ये ऑप्शन बी इज राइट वन एयर होल्स से जैसे कि कॉकरोचेस है फ्लाइज है उनके पास क्या होते हैं एयर होल्स होते हैं जिससे दे कैन ब्रीथ ऑप्शन सी नोज नहीं होता गिल्स भी नहीं होते डन गिल्स किसके पास होते हैं और वो किससे सांस लेते हैं फिश फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स ओके नाउ सी द सेवेंथ वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ बर्ड इसमें से कौन सा एनिमल है जो बर्ड नहीं है ऑप्शन ए हॉर्स ऑप्शन बी पीजन ऑप्शन सी पैरोट ऑप्शन डी क्रो तो क्रो पैरोट एंड पीजन आर बर्ड्स है न सो हॉर्स इज अ एनिमल तो टिक द ऑप्शन ए ही Now see the eighth one. Which of the following living things do not go in search of their food? यानी इसमें से कौन सी लिविंग थिंग है जिन्हें फूड के लिए कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ता फूड को ढूंढने नहीं जाना पड़ता लेकिन uh, make their food by their own, वो खुद से ही अपना फूड बनाते हैं So options are option A beer, option B squirrel, option C monkey and option D plant. So as we all know we all animals have to move around and uh, go around in a search of uh, food. We all need food but only plants only plants are uh, those. they can make their food by their own, so take the option D here. Ninth one is by which process do living things produce more of their own kind? yani वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे वो कौन सी प्रक्रिया क्या होती है जिससे लिविंग थिंग्स है वो अपने ही जैसा जो है उसे जन्म देते हैं तो ऑप्शन ए डाइजेशन ऑप्शन बी ब्रीथिंग ऑप्शन सी हेयरिंग एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन तो जो प्रोड्यूस करते हैं है ना अपने ही जैसा उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसे ब्रीथ करना नहीं बोलते है। रॉन्ग उसे हियरिंग भी नहीं बोलते और उसे डाइजेशन भी नहीं बोलते उसे क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन अपने ही जैसा अपने ही तरह का जो है उसे जन्म देना उसे पैदा करना ओके okay, उसे क्या बोलेंगे हम रीप्रोडक्शन डन जो पोटीटो है अगर हम पोटेटो को ग्रो करना चाहते हैं तो हम टोमेटो के जो सीड्स है वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे है ना सॉइल uh, में हम क्या डालेंगे पोटेटो डालेंगे तो ही वो पोटेटो निकलेगा है ना तो अपने ही तरह का जो हमें प्रोडक्ट uh, चाहिए तो हमें उसे हम क्या बोलेंगे रिप्रोडक्शन बोलेंगे डन नाउ टर्न द पेज पेज नंबर सिक्सटी सिक्स एक्सरसाइज टू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ऑप्शन ए राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग यू हैव टू वन वर्ड आंसर ऑप्शन ए थिंग दैट मूव ग्रो ब्रीथ नीड फूड फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस उसे हम कौन सी थिंग बोलेंगे इट्स सो इज इट्स लीविंग थिंग्स है ना सो राइट डाउन लिविंग थिंग्स इन अ फर्स्ट रो सेकेंड वन इज पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प इट टू ब्रीथ प्लांट का एक पार्ट है जो हमें ब्रीथ करने हमें नहीं प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करता है तो इट्स स्टीमेटा है ना तो राइट डाउन इन अ सेकेंड रो थर्ड वन इज पार्ट ऑफ़ एन इंसेक्ट दैट हेल्प्स एट टू फील चेंजेज अराउंड एट उनके आजू बाजू जो चेंजेस हो रहे हैं उसे फील करने में कौन हेल्प करता है इंसेक्ट्स को इट्स एंटीना एज यू गै सी कॉकरोचेस आपने देखे हो या बटरफ्लाईस तो उनकी जो मूछे जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं ना ग्रास ऊपर देखा हो तो वो होते हैं एंटीना जिससे दे कैन फील द चेंजेस अराउंड दैम ओके नाउ सी द एक्सरसाइज बी गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग आपको यहाँ पे दिए हुए पाँचों के दो दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं डन फर्स्ट वन है हाउ प्लांट्स प्लांट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम प्लांट्स है वो कैसे रिस्पोंड करते हैं उनके आजू बाजू के चेंजेस को टच एंड लाइट है ना ऐसे हम एग्जाम्पल दे तो वो किससे आजू बाजू के चेंजेस फील करते हैं रिस्पोंड देते हैं टच से और लाइट से आ, टच से कौन सा प्लांट हमें रिस्पोंड देता है इट्स मिमोसा एंड लाइट से कौन सा प्लांट है रिस्पोंड देता है इट्स सनफ्लावर है ना तो राइट डाउन टच एंड लाइट इन अ फर्स्ट वन सेकेंड वन एनीमल्स दैट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन दर बॉडी एयर होल्स से जो एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं उनके दो नाम लिखने हैं तो अभी मैंने आपको बोला था इट्स काक्रोच एंड इट्स बर्टरफ्लाई ओके राइट डाउन इन सेकेंड वन यू हैव टू राइट डाउन टू एग्जाम्पल ऑफ इच थर्ड वन एनिमल्स दैट हैव एंटीना एनिमल्स है जिनके एंटीना होते हैं तो एंटीना किसके होते हैं इट्स कॉक्रोच एंड आंट आंट के भी एंटीना होते हैं जिससे दे कैन फील अराउंड चेंजेस ओके राइट डाउन विथ अ पेंसिल एंड विथ अ वेरी गुड हैंड राइटिंग ओके फोर्थ वन नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव नॉन लिविंग थिंग्स है जो मूव कर सकती है लेकिन मूव प्लेस टू प्लेस बट बाकी कुछ नहीं कर सकती और मूव करने के लिए भी कोई चाहिए है, है ना हम मूव करते हैं वी नीड ड्राइवर टू मूव व्हीकल्स ऑल व्हीकल्स है ना ऑल व्हीकल्स मूव प्लेस टू प्लेस बट दे नीड समन टू ड्राइवेट है ना पर दे केन मूव तो ये कौन कौन है ट्रेन एंड एरोप्लेन्स तो आप देखो ट्रेन में भी ड्राइवर होते हैं एंड एरोप्लेन्स में भी क्या होते हैं दे आर पायलट्स है ना दे आर फ्लाइंग ओवर एरोप्लेन्स सो राइट डाउन ट्रेन एंड एरोप्लेन्स बट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स बट दे कैन मूव फिफ्थ वन प्लांट्स दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ द रूट्स रूट्स एक कौन से प्लांट है जो रिप्रोड्यूस होते हैं तो इट्स अ कैरट एंड पोटेटो मैंने आपको दिखाया था कैरट के अगर हम जो छोट जो नीचे का पार्ट है जो रूट है उसे हम तोड़ के पानी में उल्टा रखें तो क्या होगे वो ग्रो होंगे या फिर पूरे का पूरा कैरेट ही हम अंदर डाल देंगे ना तो पूरा वो ऊपर से उसका प्लांट है वो ग्रो अप होगा मैंने आपको एक्सप्लेन करा था तब दिखाया था है ना पोटेटो भी ऐसे ही है जब हम जो बिगड़े हुए पोटैटो है या जो पोटैटो है जिससे हम रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं वो हम अगर सॉइल में डालेंगे तो बहुत सारे पोटेटोज के पोटेटोज नीचे पैदा होंगे है ना तो राइट डाउन कैरेट एंड पोटैटो हियर नाउ स्किप दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्किप दिस वन This exercise three will write down in a fair notebook. Okay. Now see, let's recall, recall and complete the concept map given below. We have concept map here. We have to complete it. Okay. First one is living things and second thing is non-living things. So here we have to write down difference between living things and non-living things. ओके सो वन इज़ डन फॉर अस फर्स्ट वन है लिविंग थिंग्स ग्रो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो सेकेंड वन इज लिविंग थिंग्स मूव ऑन देर ओन लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन वो खुद से मूव करते हैं है ना बाय देर लेग्स बाय देयर विंग्स बाय देयर फिंस है ना बट Non-living things cannot move on their own. move We have to move them. Hai na? Table, chair, book. So these are the non-living things. We have to move them. Third one is need air to breathe. We need air to breathe. All living things need air to breathe. We need air to breathe with the help of nose. Hai na? और प्लांट्स है वो किससे ब्रीथ करते हैं स्टोमेटा है ना एयर होल्स से कौन करता है इंसेक्ट्स करते हैं तो दे कैन ब्रीथ बट दे नीड एयर टू ब्रीथ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ वो ब्रीथ ही नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी हैनी सेंस ऑर्गन टू ब्रीथ है ना सेकेंड वन सॉरी नेक्स्ट वन इज नीड फूड टू ग्रो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो वो ग्रो होते हैं वो बढ़ते हैं तो बढ़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए दे नीड फूड उन्हें खाना चाहिए है ना बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड उन्हें फूड नहीं चाहिए कभी देखा है नॉन लिविंग थिंग्स को खाना खाते हुए टेबल चेयर बुक्स को बैग है ना नो दे डू नॉट नीड फूड नेक्स्ट वन इज फील चेंजेस लिविंग थिंग्स फील चेंजेस वो फील चेंज करते हैं यानी सॉरी चेंजेस को फील करते हैं यानी कभी वेदर चेंज हुआ किसी ने आपको छुआ या फिर इंसेक्ट बाइट किया करा तो भी हमें चेंजेस है हमारे आजू बाजू वो फील होते हैं ना बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजिज दे कैन फील एनी थिंग बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन लास्ट वन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन देती है अपने ही तरह का दे कैन रिप्रोडक्ट काइंड ऑफ दे ऑन वो खुद के ही जैसा जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं है ना तो उसे क्या बोलते हैं लिविंग थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस थे कांट है ना चेयर में से कभी देखा है छोटी छोटी चेयर आई छोटी छोटी टेबल्स निकले छोटी छोटी बुक्स निकली नो सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस ओके सो दीज आर दी टैक्स बुक एक्सरसाइज एक्सरसाइजिज यू हैव टू राइट डाउन इन टेक्सट बुक ओनली विथ वेरी गुड And with your pencil. Stay healthy, stay safe.